अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। सो जनाब, ये देखो, मैंने जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा काम किया, लाइक सफाई हल्की हल्की टेक्सचर की जो डस्ट थी ना फ्लोर पे जो लग जाती है वो सारी साफ़ की है, ठीक है। क्योंकि वो क्लीनिंग व्लॉग नहीं था, वो बस डस्ट जो है ना वो साइड पे करनी थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलिए तो मैं काम करूँ, क्योंकि धूप कम थी इस साइड पे थी। और मोस्टली टेक्सचर जो है वो फ्लोर पर ही हैं, जैसे कि ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक, ठीक है। और ये अब मैं टेक्सचर प्रिपेयर करने लगी थी, मैंने कहा चलो अब आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग शेयर कर देते हैं। ये डैम क्रम्बलिंग करते हैं, पहले तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे डैम क्रम्बलिंग करके। आप लोग पूछ रहे हो छत वाले टेक्सचर में और ब्राउन टेक्सचर में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताती हूँ। जो छत वाला टेक्सचर है ना वो डस्ट ही होती है, लाइक सारा डस्ट और लिक्विड जब सफाई की जाती है या डस्ट उड़ के पूरी छत पे फैलती है तो वो होती है। और जो ब्राउन टेक्सचर है ना, अब तो खैर उसका भी कलर वाकई में डल हो गया है, उसमें ना जब हम सारे टेक्सचर्स को मिक्स करके मतलब कि वीडियो बनाते थे ना, ग्रे भी, ब्लैक भी, येलो भी, रेड भी, वाइट भी, सारे टेक्सचर्स मिक्स करके बनाते थे, तो फिर वो टेक्सचर जो मिलता था ना, बनता था, वो ब्राउन हो जाता था, तो इसलिए मैंने उसको ब्राउन टेक्सचर का नाम दिया। अब ये छत वाले टेक्सचर की मैं ग्लास शेप्स बनाने लगी थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ शेप्स मेकिंग, चलो आप लोग भी इंजॉय करो। अभी मौसम का कोई पता नहीं है कि कहीं मौसम ख़राब ही ना हो जाए, लेकिन मैंने टेक्सचर जो है ना वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड कर लिए। ये ड्राई हो के बैठ हुई हैं, चलो हवा बहुत अच्छी चल रही है, जैसे मौसम जो है ना बादल शादल आने वाले हैं वो वाली। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना हमें स्क्रैपिंग करनी है, यार ये बहुत ज़्यादा ही ना चिपका हो गया सारा, बड़ी मुश्किल से आ गया फिर उसके बाद। ये देखो अच्छा जी, शाजियाँ हैं, ठीक है। वो कह रही थी कि मेरा नाम लाजमी लेना, तो मैंने आपका नाम ले लिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा देखती हैं वीडियोस, ब्लॉग्स पसंद करती हैं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्ला खैर। और जो लोग ये सोच कर कमेंट नहीं करते कि पता नहीं आगे से रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग किया करें, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। ये देखो ये मैंने रखना नहीं ना शेप, मतलब कि ये नहीं रखनी थी, इसलिए फिर मैंने कहा इसको क्रम्बल कर देते हैं साथ साथ ही। ये देखो कितनी सारी है ना, अब ना हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं। ये देखो
ओए तेरी ना, इतना ज़्यादा टेक्सचर है ना ये, माशाल्लाह। पानी की ज़रूरत है इसमें, अभी हम पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा। और इसको ना मिक्स करना है, मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स वेल नहीं करना, मतलब कि लम्स रखने हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो भाई मुझे बड़ा मज़ा आया जब वो कमेंट आया ना, इसको दोबारा से ना दरवाजे के पीछे रखो, फिर वैसा ही हो जाएगा हमारा छत वाला टेक्स। चलो अब इसमें पानी डालते हैं। पानी इतना गर्म हुआ है ना, धूप बड़ी आज कड़ाके वाली लगी थी, ज़्यादा नहीं डालती। तो देखो ये देखें, बस अब मैंने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब हम ग्लास में डाल डाल के साथ साथ शेप्स बनाते जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते जाते हैं। वैसे मैंने सोचा तो था इसको फ्लोर पे बनाने का, लेकिन मौसम जैसा है ना, मैं नहीं चाह रही कि मैं ना इतनी मेहनत ज़ाया करूँ। सही शेप नहीं निकली, दोबारा से बनाते हैं और अब थोड़ा सा ना प्रेस करके बनाते हैं। आ रही है नज़र, ठीक है। यार ये इसकी ना, ये नीचे वाली जो है ना ग्लास, नहीं मज़े का ग्लास हो ना बिल्कुल लेवल वाला, मज़ा आए। मैं ना ये बहुत ऊंचा लेके बैठ गई, फट गई थी, थोड़ा सा नीचे होके बैठ गई। नीचे से जो ग्लास घुमाती हूँ ना, वो बड़ा मज़े का लगता है मुझे। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ ना, फिर आपको कहोगे काट के दबाया ही नहीं तू। हाँ ठीक है, ये देखो, ठीक है।
ग्लास किधर हैं जी? हेलो, अब ठीक है। लगा लेनी चाहिए, इतना जोर से टैप टैप करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर को इसलिए मैं जोर जोर से टैप टैप कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है, नॉर्मल सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से दबा दबा के हमने इसकी शेप्स बना लेनी है। अब लेट्स सी ये कितना क्रिस्पी बनता है या कितना हार्ड बनता है, मुझे नहीं पता, बट होप सो अच्छा ही बने। ठीक ग्लास शेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत से। बड़ी शेप तो आराम से दो या तीन चार आराम आराम से जो है ना वो बंदा निकाल लेता है, लेकिन ग्लास शेप एक एक वो भी नीटनेस के साथ निकालना, इट्स टू डिफ़िकल्ट गाइस। तो आप लोग जो है ना हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाया करो। मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं करते, सो बैड।
अच्छा नहीं लगता मुझे, आप लोग करके जाया करें ठीक है, ऐसे ना देखा करें, अगर देखते हैं तो फिर आप लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। ये देखो ये क्या निकल आई है छोटी सी, ये होल निकालती हूँ मैं, कितनी खूबसूरत है ये देखो। नहीं सही नहीं निकली अभी, बाद में निकलेगी। अच्छा मैं ना सारी शेप्स बना लूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ही व्लॉग हो जाना है, सारी शेप्स बना के ना देना आपसे मिलती हूँ, स्टे कनेक्ट विद मी।